मध्य प्रदेश शिवपुरी जिले के कोलारस कांग्रेस विधायक महेंद्र यादव का इन दिनों भाजपा सरकार की तारीफ करने का वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन इस मामले में कांग्रेस विधायक ने भाजपा के षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। दरअसल विधायक महेंद्र यादव का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह भाजपा की शिवराज सरकार की योजनाओं की तारीफ करते हुए दिख रहे हैं। अभी भी ये क्या है, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी अफवाह फैलाते रहते हैं, उसी के तहत आधी अधूरी लाइन उस भाषण की इन्होंने इस वीडियो में दिखा रहे हैं। इन्होंने 200 रुपये महीने का जो ये लाए थे, मैंने भाषण में यही कहा था कि मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छी योजना लाए, 200 रुपये प्रति माह, लेकिन बहुत देर से लाए, वो उन्होंने नहीं दिखाया कि बहुत योजना 200 रुपये महीने की लाए, लेकिन बहुत देर से लाए। कब लाए? जब 5 साल तक बिजली बिल ना भर पाने के कारण कितने उपभोक्ताओं को जेल इन्होंने भेजा फर्जी वारंट बना बना के, तब इनको मुख्यमंत्री जी को उनका ध्यान नहीं आया। लेकिन जब जब इन्होंने चुनाव आ गया और इनको वोटों की जरूरत थी, तब कहीं जाकर के योजना लाए। जानकारी के मुताबिक कुछ दिनों पूर्व बिजली माफी योजना के कार्यक्रम का यह वीडियो बताया जा रहा है। इस संबंध में जब विधायक से मीडिया ने बात की तो विधायक महेंद्र यादव ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए आधा अधूरा वीडियो वायरल करने का आरोप लगाते हुए षड्यंत्र रचने की बात कही है। कैमरा 24 के लिए कोलारस से मोनू प्रधान की रिपोर्ट। कैमरा 24 खबरों पर पैनी नजर।